गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू साथियों मैं इंजीनियर आशीष कुमार आप सभी का प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर पटना से हार्दिक स्वागत करता हूं जैसा कि हम सभी लोग आपके बीच हैं और आठ से नौ में लाइव हो रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपके उन कमियों को दूर दूर करना जिनकी वजह से आप एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं तो साथियों आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था जिसमें हम असिस्टेंट लोको पायलट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको करवा रहे थे तो हम उसी के साथ आपके बीच हैं और ग्यारहवा सेट आपके साथ है वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू साथियों हमारा आज का टॉपिक है सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी ठीक है सोल्डरिंग एंड डीसी थ्योरी जैसा कि मैं कई बार आपके बीच बता चुका हूं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की जो ट्रेड की सिलेबस होती है वही सिलेबस वायरमैन को पढ़ना है वही सिलेबस इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के छात्रों को पढ़ना है वही सिलेबस वाइंडर को पढ़ना है वही सिलेबस हायर सेकेंडरी टेन प्लस टू फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के छात्रों को टेक्नीशियन के लिए पढ़ना है बी डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को पढ़ना है साथियों आप ध्यान रखेंगे बी डिप्लोमा के बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ़ ए के लिए योग्य होते हैं वह किसी भी हाल में टेक्नीशियन के लिए योग्य नहीं होते आईटीआई के वो छात्र जो एलपी के लिए फॉर्म भरेंगे उनको दो फायदा होगा अगर वो साइको पास कर जाते हैं तो वो निश्चित रूप से एल में चले जाएंगे अगर साइको में मिस करते हैं तो टेक्नीशियन उनके पास एक अच्छा विकल्प होता है ठीक है तो चलिए आज की क्लासेस को शुरू करने से पहले हम जरा कुछ बातों को समझते हैं मां शारदे को नमन करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं साथियों चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं जीत और मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं बहुत अच्छी लाइन है यहां पर चलो अपनी तकदीर को एक नया मोड़ देते हैं जी तोड़ मेहनत से मंजिल की कठिनाई को तोड़ देते हैं इसीलिए जो भी कठिनाइयां हमारे जीवन में आ रही हैं उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है और हिम्मत के साथ डट कर मुकाबला करना है और आपको आपकी मंजिल को जो है प्राप्त कर लेना है ठीक है इसीलिए रास्ते की हर बाधाएं आपकी दूर हो जाएं मैं आपके साथ हूं आपके बाधाओं को दूर करने के लिए चलिए तो आज के प्रश्नों की चर्चा शुरू करते हैं देखते हैं कौन कौन हमारे साथ हैं चलिए टारगेट एलपी वाले मेरे मित्र रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं हैं, बहुत अच्छा थैंक यू चलिए अभी हमारे साथ बी एस भी का पर सैटरडे okay, uh, uh, को होती हैं दो बजे से लेकर चार पीएम के बीच में जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चल रही है मंडे टू फ्राइडे की जो क्लासेस हैं उसमें हम आपका डिस्कशन करेंगे ठीक है चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लासेस में हमारा पहला प्रश्न देखिए कौन सा है फटाफट तैयार हो जाइए आप लोग ठीक है ओके सक्सेना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जिस परिपथ में प्रतिरोधों के सिरे को इस तरह से जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक ही रास्ते से हो सकती है उस परिपथ को क्या कहा जाता है देखिए बड़ा घुमा के प्रश्न पूछा है असिस्टेंट लोको पायलट में तेस जनवरी 2019 का प्रश्न है और प्रश्न बहुत अच्छा है कह रहा है जिस परिपथ में जिस सर्किट में हम रेजिस्टेंस को एक ही छोर से जोड़ते हैं और इस प्रकार से हम जोड़ते हैं कि करंट का एक रास्ता होता है तो करंट का रास्ता एक कहां पर होता है आइए जरा देखते हैं सपोज कर लीजिए हमारे पास तीन रजिस्टर इस प्रकार के हैं ठीक है मेरे पास तीन रजिस्टर इस प्रकार का है एक आपका R1, एक आपका साथियों R1, दूसरा आपका R2, तीसरा आपकी R3, ठीक है और इसके सापेक्ष हमने क्या किया यहां पर वोल्टेज हमने प्रदान कर दिया ठीक है अब इस वोल्टेज की वजह से जो करंट जा रही है वो इस आर्बन के सामने भी आई आई ही है आर टू के सापेक्ष भी आई ही है आर थ्री के सापेक्ष भी क्या है आई ही है यानी सीरीज में हमेशा करेंट आपकी क्या होती है एक समान होती है यानी स्पष्ट हो गया लेकिन वोल्टेज की बात करें तो यहाँ भी वन है यहाँ क्या है भी टू है यहाँ क्या है, है। भी थ्री है यानी सदैव याद रखना सीरीज कम्बिनेशन में आपका उत्तर हो गया साथियों सीरीज सीरीज कम्बिनेशन में हमारी वोल्टेज अलग अलग होती हैं लेकिन करंट क्या होता है एक समान होता है सीरीज में आपकी क्या होती है करंट एक समान होती है ध्यान दीजिएगा ठीक है तो श्रेणी में श्रेणी में धारा का मान धारा का मान एक समान होता है लेकिन वोल्टेज अलग अलग होती है आप लोग कॉपी में नोट भी कर लेना और ध्यान दो मेरे साथियों हमारी सारी रजिस्टर एक समान है यानी सारी रजिस्टर जब सीरीज में है तो करेंट समान है वोल्टेज अलग अलग है तो यहाँ पर वोल्टेज डिवीजन का रूल लगता है अगर सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर 3 हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस क्या हो जाएगा आर थ्री हो जाएगा सबका अल्जेब्रिक सम हो जाएगा तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया है ठीक है अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं हमारा अगला सवाल देखिए क्या है हमारा अगला सवाल है साथियों दिष्ट धारा के मामले में इन केस ऑफ डायरेक्ट करेंट डायरेक्ट करेंट के मामले में क्या होता है ठीक है अर्जुन कुमार जी इंग्लिश की बैच जो है उसको हम 10 दिन के अंदर लाने वाले थे ये बात बिल्कुल सत्य है तो हमें इंग्लिश की मटेरियल तैयार करनी है और उस मटेरियल पे हमारा काम स्टार्ट हो चुका है हम 5 जनवरी से पाँच जनवरी 2023 से इंग्लिश की कंप्लीट इंग्लिश की बैच लेकर आएंगे जिसमें आपको स्टडी मेटेरियल इंग्लिश में देंगे क्लासेस आपकी इंग्लिश में होंगी ठीक है आपको पीडीएफ इंग्लिश में भी मिलेगा और आपको आने वाले समय में इंग्लिश में बुक भी आपको मिल सकती है तो आप चिंतित मत होइए आपको इंग्लिश की बैचेज पाँच जनवरी से एकदम कंफर्म हो जाइए फिफ्थ ऑफ जनवरी से वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ कंप्लीट टेक्निकल बैचेज इन रिलीवेंट लैंग्वेज दैट इज स्पेसिफिक फॉर इंग्लिश इंग्लिश में हम बैच लेकर आ रहे हैं आपको पांच जनवरी से ठीक है तो ध्यान रखिएगा और देखिए क्या पूछा गया है उस पर हम आते हैं इस प्रश्न में पूछा गया डीसी में क्या होता है तो आइए सबसे अच्छे तरह से हम समझ लें थोड़ी देर के लिए हमारे डीसी में क्या होता है साहब डीसी के बारे में आपको मैं बता दूं कि डीसी में हमारी करंट का मान एकदम कांस्टेंट होता है करंट क्या होती है डीसी में कांस्टेंट होती है समझ गए करंट कैसी होती है साथियों डीसी में कांस्टेंट हुआ करती है ठीक अब ध्यान दीजिए जब डी में करेंट कॉन्स्टेंट होती है दैट मीन्स ये आपका टाइम का एक्सिस है इधर आपकी करेंट का एक्सिस है अगर 10 एम्पियर यहाँ दिया तो आपको लंबे समय तक 10 एम्पियर मेंटेन रहती है यानी कि आपका कभी भी 10 से कम नहीं होगा यानी डायरेक्शन भी आपकी क्या है डायरेक्शन दिशा भी आपकी क्या है नियत है कॉन्स्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी क्या है साथियों परिणाम भी क्या है इसका परिमाण भी कांस्टेंट होता है ये दोनों आपकी क्या होती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट होती है यानी इस केस में आप अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जीरो हर्ज होता है टाइम पीरियड कितना होता है साथियों आप याद रखिएगा टाइम पीरियड इसका वन बाय फ्रीक्वेंसी यानी वन बाय जीरो दैट मीन्स अनंत होता है यानी अनंत समय तक एक ही मान इसकी हुआ करती है क्लियर अगर हम एसी पर आ जाएं एसी पर चर्चा करें तो एसी के बारे

अल्टरनेटिंग करेंट अल्टरनेटिंग करेंट साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिए जीरो से चलना शुरू होती है पाई बाय टू पर मैक्सिमम पॉजिटिव मिलती है फिर आपका पाई एक सौ अस्सी आके जीरो हो जाती है फिर थ्री पाई बाय टू पे आके वापस निगेटिव वैल्यू मिलती है फिर यहाँ टू पाई पे आके जीरो होती है मैं आपको बता दूं पाई रेडियन में लिया गया है पाए रेडियन बराबर 180 डिग्री आपकी होती है साथियों क्लियर कंसेप्ट कोई दिक्कत तो नहीं चलिए ठीक है इसका प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा ऐसे प्लेलिस्ट है भी बाकी टोटल जितनी भी क्लासेस हुई हैं सब प्लेलिस्ट में हम सबको अटैच करवा के वहां पे दे देंगे ताकि आप लोगों को सुविधा मिले आपको कठिनाई नहीं हो तो ये तो आपने देखा अगर आपसे हम पूछें कि एक साइकिल कितने का होता है फटाफट जवाब दीजिए तो एसी की एक साइकिल जो होती है एक चक्र जो होता है ये साहब आपका कितने में 360 डिग्री या टू पाए रेडियन में पूरा होता है दो पाए रेडियन में साइकिल यानी चक्र से आप क्या समझते हैं चक्र का मतलब है हाफ पॉजिटिव और हाफ निगेटिव यानी एक पूरा सेट जो पॉजिटिव निगेटिव दोनों को पूरा करता है है ना उसे साइकिल कहते हैं साथियों अगर हम इसकी बात करें तो भारत में इसकी रेटेड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है जिसमें टॉलरेंस प्लस माइनस तीन परसेंट होता है यानी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा साथियों आप याद रखिएगा कितना 48.5 हर्ट्ज से लेकर 51.5 हर्ट्ज के बीच में कितना 48.5 से लेकर 51.5 हर्ट्ज के बीच में होगा 2 पाई मतलब 360 डिग्री है पाई बाय टू का मतलब वन एट्टी बाय टू यानी नाइन्टी डिग्री होता है साथियों यहां रिलेशन मैंने लिख दिया है ध्यान रखिएगा एसी के, के केस में अगर टाइम पीरियड की बात करें तो वन बाय एफ यानी वन बाय फिफ्टी साथियों सिंप्लीफाई करिएगा ट्वेंटी मिली सेकेंड होता है बीस मिली सेकेंड होता है तो स्टैंडर्ड एसी का जो टाइम पीरियड है वो बीस मिली होता है ठीक है ये ध्यान दीजिएगा चलिए आगे बढ़ें इसको आप लोग स्क्रीन ले लीजिए या नहीं तो कॉपी में लिख लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है यह ठीक है बिल्कुल मेरे मित्र टारगेट टारगेटी मैं निश्चित रूप से प्लेलिस्ट बनवा दूंगा और ऐसे बना भी हुआ है बाकी जो कोई वीडियो अगर बची रही होगी तो वो सब हम उसमें अटैच करवा देंगे ठीक है चलिए सुमंत कुमार जी अगर आप बी का क्लास लेना चाहते हैं तो उसकी जानकारी इसी क्लासेस के अंदर हम आपको देने वाले हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया धारा का परिमाण अस्थिर रहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इज कांस्टेंट क्या ये सही है जरा बताइए तो बिल्कुल ऐसा सही नहीं है सिर्फ मैग्नीच्यूड कांस्टेंट नहीं होती है मैग्नीच्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है इसलिए ध्यान रखिएगा हर बड़ी में ऐसा आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है आप पैसेंस के साथ आंसर देंगे आपका राइट right आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी क्योंकि डीसी में करंट की दिशा साथ ही साथ उसका परिमाण दोनों कॉन्स्टेंट होता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है सोल्डिंग के लिए तापमान की सीमा क्या है बहुत अच्छा प्रश्न है फटाफट जवाब दीजिए सोल्डिंग क्यों करते हैं आप सब जानते हैं सोल्डिंग के माध्यम से हम कंडक्टर्स को जोड़ने का काम करते हैं जो सबसे अच्छी कंडक्टर मानी जाती है वो सोल्डिंग उसकी बहुत बेहतर हो सके और बड़ी आसानी से हो सके जिस भी मटेरियल की सोल्डिंग बहुत बेहतर तरीके से हो उसे हम क्या कहते हैं कंडक्टर कहा करते हैं तो सोल्डिंग के द्वारा दो मेटल को आप जोड़ने का काम करते हैं साथियों तो यहां से स्वीकार करिए सोल्डिंग के लिए तापमान की सीमा कितनी होती है 180 डिग्री से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है कितनी होती है 180 से 250 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है अगर आपकी सॉफ्ट सोल्डिंग है ना तो सॉफ्ट सोल्डिंग के लिए आंसर तो आपका ए हो गया लेकिन सॉफ्ट सोल्डिंग के लिए आप ध्यान रखिएगा सॉफ्ट सोल्डिंग के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं सॉफ्ट सोल्डिंग के लिए हम टीन का प्रयोग करते हैं कितना टीन होता है टीन की मात्रा मात्र हम लेते हैं साथियों 25 से लेकर के 80 परसेंट तक हम टीन की मात्रा ले सकते हैं 25 से 80 परसेंट तक और ध्यान रखिएगा लेड कितना लेते हैं लेड हम लेते हैं पचहत्तर से बीस तक तो यानी टीन और लेड का जो मिश्रण है उसी का हम सोल्डर के रूप में क्या करते हैं प्रयोग करते हैं और जहां पर भी हार्ड सोल्डिंग हो कठोर टाका हो ठीक है अगर आपकी क्या होगी हार्ड सोल्डिंग होगी तो हार्ड सोल्डिंग के लिए हम किस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं इसके लिए हम साथियों इस्तेमाल करते हैं सिल्वर का किसका एजी का सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं या नहीं तो पीतल का ठीक है पीतल का या नहीं तो सिल्वर का इस्तेमाल करते हैं एजी या पीतल ब्रास ये ध्यान रखिएगा इस दोनों का प्रयोग करते हैं तो आपका राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बहुत सारे साथियों ने आंसर भी दिया है हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं देखिए हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है अगले प्रश्न पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हमारी फाउंडेशन बैचेज स्टार्ट हो चुकी हैं जो आ, जो ऐप पर द प्लेटफॉर्म ऐप पर आपको उपलब्ध हैं और इस बैच में हम आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे ठीक है अप्रोक्सीमेट थर्टी चैप्टर्स मैंने डिफाइन कर दिया है जो चैप्टर्स हैं मैंने भेज भी दिया है बच्चों को तो थर्टी चैप्टर्स पढ़ाएंगे इसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस भी अलग से दी जाएंगी साथियों रिकॉर्डेड वीडियो स्टडी मटेरियल रेगुलर क्लासेस होंगी इसमें रुक्मिणी पब्लिकेशन की हमारी जो बुक है उसे कंप्लीट फॉलो किया जाएगा नौ सौ निन्यानवे का यह बैच है जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको निश्चित रूप से मिलेगा आठ से छह से आठ महीने का यह कोर्स होगा और इसके अंदर आप आ, साल भर की आपकी वैलिडिटी होगी और ये पर्याप्त होगी आपके ट्रेड में क्वालिफाई ही नहीं करने बल्कि जबरदस्त स्कोर करने के लिए भी ये पर्याप्त होगी साथियों चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ा अच्छा प्रश्न आपके सामने है यदि R1, R2, R3 प्रतिरोध है जो कि बैटरी से जुड़ा हुआ है क्रमशः इसके सापेक्ष वोल्टेज ड्रॉप दस बीस और तीस है दस बीस और तीस वोल्ट है तो बैटरी का कुल प्रतिरोध बताएं कितना होगा देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है कैसे जुड़ा है बैटरी से जुड़ा है और आपको कह रहा है इंडिविजुअली रजिस्टर कनेक्टेड इन ए बैटरी अक्रॉस इट कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए देखते हैं बैटरी से यदि जुड़ा है तो निश्चित रूप से क्या होगा ये आपकी पैरेलल कंबिनेशन है ये आ जाइए कैसी कंबिनेशन है पैरेलल कंबिनेशन है अब मैं यहां पर आता हूं कह रहा है बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना होगा अब देखिए साथियों आपका मेन बैटरी का सप्लाई इसके अक्रॉस आर वन ये प्रतिरोध है ये आर टू है और ये क्या है आपकी आर थ्री है तो आर वन आर टू आर थ्री ठीक इस तीनों के अक्रॉस हमारा वोल्टेज कितना कितना है इसके सापेक्ष आपका है दस वोल्ट इसके सापेक्ष कितना है ध्यान रखिएगा बीस वोल्ट इसके सापेक्ष कितना है तीस वोल्ट तो दस बीस और तीस है ये तीनों पैरेलल में हो सकता है क्या जरा गौर कीजिए तो पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होती है है ना पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है सेम होती है। जब में सेम होती होती है है जब पैरेलल में वोल्टेज तो तीस, और दस कभी भी नहीं होगा जिंदगी भर याद रखिएगा कभी भी वोल्टेज यदि हो तो वोल्टेज को पैरेलल में अलग अलग मान करना अनर्थ हो जाता है अनुचित हो जाता है कैसी अरेंजमेंट हो जाएगी ये अरेंजमेंट इस प्रकार से होगी ये है आपका आर वन ये है आपका आर टू ये है आपकी आर थ्री साथियों मैं इसीलिए आपको ये तरीके बता रहा हूं क्योंकि जब आप हल करेंगे सॉल्व करेंगे उस समय आप भी पैरेलल कर सकते हैं और जब आप पैरेलल करेंगे तो आपके आंसर सही नहीं आएंगे क्योंकि पैरेलल में तो या तो दस का ये रहेगा या तो दस का ये या तो ये और आपको टोटल जो नेट वोल्टेज है आप जानते हैं पैरेलल में जितनी यह वोल्टेज यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी पैरेलल में तो वोल्टेज के चेंज होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है अब यहाँ पर देखिए इसके अक्रॉस का वोल्टेज हमने दे दिया दस वोल्ट ठीक है अक्रॉस का हमने ले लिया बीस वोल्ट अक्रॉस का हमने क्या ले लिया वोल्ट अब टोटल वोल्टेज की अगर बात करें भी तो भी क्या हो जाएगा सबका सम हो जाएगा टेन प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी हो जाएगा आफ्टर ऑल व्हाट विल बी द मैग्नीच्यूड आफ्टर ऑल आपकी सिक्सटी वोल्ट हो जाएगी यानी राइट आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी है टोटल का टोटल साठ वोल्ट का वोल्टेज इसके सापेक्ष में है तो बहुत सारे साथियों ने ऑप्शन सी दिया है निर्दोष कुमार झा जी आपका बिल्कुल सही आंसर है उसके बाद गुड़िया आपका बिल्कुल आंसर सही है कृष्ण कुमार यादव जी चलिए आपका जो सवाल है मैकेनिकल डीजल की क्लास लाइव आएगी यूट्यूब पर आज नहीं होगी साथियों कल से मैकेनिकल की भी क्लासेस आपकी लाइव हो जाएंगी ठीक है तो चलिए ठीक है अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं यह भी प्रश्न असिस्टेंट लोको पायलट में तेईस एक दो हजार उन्नीस को पूछा था मैं अभी सारे ए एल पी के प्रश्न आपके बीच रखूंगा और फिर जाकर के हम आपके डीआरडीओ यूपीपीसी बी एस पी एस सी एल इसके प्रश्नों को भी लेकर आएंगे मंडे टू फ्राइडे हम आपके बीच प्रश्नों को लेकर रहेंगे और सैटरडे को दो से चार के बीच में हम आपके साथ थ्योरी में रहेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की क्लासेस वहां पर चल रही है ठीक है मौर्या साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बी की क्लास छूट गई है कोई चिंता की बात नहीं आपकी क्लासेस अगर छूटी हैं तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके ऐप में अवेलेबल रहती हैं जो लाइव में होती हैं और वह क्लासेस साथियों आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं दो चार छः बार ही नहीं आठ दस बार देख सकते हैं ठीक है ऐप पर नॉन टेक की क्लासेस आ चुकी हैं जिसमें टेक नॉन टेक दोनों कॉम्बो में है साथियों ठीक है पहले वाला नहीं समझने वाली बात इसलिए है मेरे मित्र क्योंकि पहले वाला जो प्रश्न है वो हमने इसलिए बताया था ताकि आप कंफ्यूज ना करें आप क्वेश्चन को हल करने के दौरान कंफ्यूज करके आप पैरेलल में ले लेंगे और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है एक समान होती है जब पैरेलल में वोल्टेज समान होती है तो हम कैसे 10 वोल्ट 20 वोल्ट और आपको 30 वोल्ट कर सकते हैं या तो होगी तो 10 ही टोटल होगी या तो 20 ही टोटल होगी या 30 ही टोटल होगी कभी भी इस वोल्टेज के मैग्नीट्यूड में बहुत फ्लक्चुएशन नहीं आएगा लेकिन अगर वोल्टेज अलग अलग है तो पैरेलल वो हो ही नहीं सकता है इसीलिए साथियों हम क्या करते हैं कंबिनेशन को सीरीज करते हैं में को जोड़ा जाता है. याद में के अलग अलग होने का कोई मीनिंग नहीं होता है ठीक है ना सीरीज कंबिनेशन में करंट के अलग अलग होने का कोई मीनिंग नहीं होता पैरल कंबिनेशन में वोल्टेज के अलग अलग होने का कोई मीनिंग नहीं होता है साथियों ये ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला और बड़ा अच्छा प्रश्न है सोल्डिंग में फ्लक्स का क्या मुख्य उद्देश्य है आपके सामने देखिए बड़ा खूबसूरत फ्लक्स यहां पर है हम इसको ऐसे टच करते हैं है ना सोल्डिंग आयरन के साथ यहाँ पर लेते हैं और फिर रब करते हैं और देन जा कर के आपका ये सोल्डर है और फिर सोल्डिंग आयरन के माध्यम से देखिए पीसीबी के ऊपर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर हम यहाँ पर सोल्डर कर रहे हैं और सोल्ड करने के बाद देखिए कलर कितना एकदम चमकीला आपको सिल्वर की तरह यहाँ पर दिख रहा है ठीक है साथियों तो बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न है इस प्रश्न में सोल्डर का मुख्य काम क्या है जरा देखिए तो साथियों मैं आपको बता दूं, सोलर का मुख्य काम है यहां पर फ्लक्स का मुख्य काम है सोलर के माध्यम से तो सोल्ड करते हैं लेकिन फ्लक्स का मुख्य काम क्या है कीप द मेटल सरफेस क्लीन एंड ऑक्साइड फ्री मतलब धातु की सतह को साफ रखना और उसको ऑक्साइड फ्री रखना ऑक्साइड अगर नहीं रहेगा तो वहां जंग वगैरह आपकी नहीं लगेगी ठीक है क्लीन सरफेस यदि हो तभी आप वहां सोल्डिंग करने का काम करेंगे अगर सरफेस क्लीन नहीं है तो आप बिल्कुल सोल्डर करने का काम नहीं करेंगे साथियों यह ध्यान रखिएगा मैं आपको बता दूँ फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है धातु की सतह को साफ करना है और ऑक्साइड को मुक्त रखना है साहब जब कभी भी हम सोल्डिंग करते हैं कई बातों का ध्यान रखते हैं सबसे पहली बात कि जिस जगह की सोल्डिंग करनी है उसको पहले आप साफ करिए वहां पर जंग बिल्कुल भी साथियों आपकी लगी नहीं रहनी चाहिए इतना ही नहीं और आपको ध्यान रखना है ज्वाइंट पर पिघलाए गए सोल्डर के बहाव में सुगमता प्रदान करता है जहां पर सोल्डर आप पिघलाते हैं अगर जगह साफ रहता है तो बहुत आसानी से और फ्रीक्वेंटली वह क्या होता है उसके साथ जुड़ जाता है अटैच हो जाता है उसका संपर्क बहुत अच्छा बनता है साथियों पकड़ भी क्या होती है मजबूत बनती है साथ साथ ही जोड़ जोड़ जहां आपने लगाया है है वह जोड़ भी आपकी साफ हो जाती है। सोलर को शीघ्र पिघलने में भी मदद करता है है साफ जगह रहने से ठीक है? फ्लक्स लगाने से वह सोलर बहुत आसानी से पिघल भी जाता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत भी उसको नहीं पड़ती है साथ ही साथ जंग लगने से बचाता है और मैंने कहा था ना जोड़ को भी मजबूती प्रदान करता है तो फ्लक्स क्या क्या काम कर रहा है एक तो आपको सफाई कर रहा है सतह की ऑक्साइड को भी हटा रहा है साथ ही साथ जोड़ को भी मजबूत बना रहा है बहुत कम टेम्परेचर पर ही सोलर को पिघला रहा है ठीक है तो ये सारे काम किसके होते हैं ये सारे काम आपको साथियों फ्लक्स के होते हैं ठीक है तो ये आपका सही उत्तर है और सोल्डिंग की एक टेक्निक्स एक तकनीक आप यहाँ पर देखे ये आपका फ्लक्स हुआ आप आराम से पहचान लोगे कितना खूबसूरत आपको दिख रहा होगा और यहाँ आपकी सोल्डिंग हो रही है ये सोल्डिंग आयरन है ये हमारा सोल्डर है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं इसको सोल्ड कर रहे हैं तो किसी भी दो मेटल को जोड़ना हो या पीसीबी के ऊपर सोल्डिंग करनी हो ये सब चीज़ हम लोग इलेक्ट्रिक सोल्डिंग के माध्यम से करते हैं इलेक्ट्रिकल सोल्डरिंग एक बहुत ही आसान और बड़ा ही बढ़िया मैथड होती है जिसमें बहुत आसानी से आप इसको कर भी लेते लेकिन ध्यान रखिएगा सोल्डिंग आयरन को कभी भी आपको खुले में नहीं रखना जब भी रखना है उसका स्टैंड होता उसी स्टैंड में रखना है ठीक है ना ओके थैंक यू बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं इसी तरह से मेहनत करिए और बहुत आ, रिजल्ट लेकर आइए साथियों ठीक है मित्रों सोल्डिंग करने के लिए क्या कॉन्फिग्रेशन सबसे बढ़िया माना जाता है कौन सा कॉन्फिग्रेशन कौन सा सोल्डिंग का तरीका जिस तरीके से जिस स्ट्रक्चर से हम सोल्डिंग करें तो बहुत बेहतर हो जाएगा जरा उस पर हम बात करें साथियों आइए जरा हम बात करते हैं सोल्डिंग में हमारा देखिए यहां पर लैप ज्वाइंट है कई तरह के ज्वाइंट हैं

सोल्डरिंग को ज्यादा जगह मिलता है क्या मिलता है सोल्डर को ज्यादा स्पेस मिलता है और जब सोल्डर को ज्यादा स्पेस मिलता है तो सोल्डर की पकड़ वहां पर क्या होती है मजबूत होती है ढीली पकड़ वहां नहीं होती है और उस स्ट्रांग पकड़ की वजह से ठीक है ना हमें बेनिफिट यह होता है कि समान स्ट्रक्चर के हिसाब से तो हम देखें समान स्ट्रक्चर के हिसाब से यह एज ज्वाइंट है किनारे पे कर दिया ये कॉर्नर कॉर्नर को कर दिया ये बट ज्वाइंट है यर पे कर दिया ये आपकी टी ज्वाइंट है दोनों तरफ से लेकिन ये आपकी लैप ज्वाइंट है तो सरफेस किसमें सबसे ज्यादा मिला सरफेस हमको मिला है लैप ज्वाइंट में तो जिस भी ज्वाइंट के मेथड में जिस भी जोड़ में सोल्डरिंग को बहुत ज्यादा स्पेस मिलता है यानी सोल्डर को सेट होने के लिए क्या मिलता है काफी ज्यादा स्पेस मिलता है तो जब काफी ज्यादा स्पेस मिलता है उस स्पेस पे सोल्डर बेहतर तरीके से अटैच हो जाता है चिपक जाता है जिससे आपकी सोल्डरिंग काफी स्ट्रांग मजबूत होती है ठीक है ना तो इसलिए हम जो है साथियों इसमें इसका प्रयोग करते हैं, और समान नियम सबसे अच्छा ये होता है कि पहले सदस्य की मोटाई कम से कम तीन गुना होनी चाहिए यानी पहला वाला सरफेस के हिसाब से जितना आप सोल्डिंग करेंगे ना, इसकी मोटाई इसके रिस्पेक्ट में क्या होनी चाहिए यह आपकी तीन गुनी सरफेस को अकुपाय करनी चाहिए तो बेहतर सोल्डिंग मानी जाती है ठीक है इसीलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा लैप ज्वाइंट तो सबसे मजबूत और सबसे बढ़िया जो, जो जोड़ने का तरीका है सबसे बढ़िया जो कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है वो आपका लैप ज्वाइंट माना जाता है साथियों और जरा बट जोड़ की बात करें तो बट का प्रयोग हम नहीं करते हैं यहाँ आपको बट दिखाया गया है इस वाले में तुरंत टूटने का संभावना रहता है बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्या होती है यह टूट जाती है तो बट का प्रयोग हम बहुत कम करते हैं छोटे छोटे जोड़ के लिए हम करते हैं बट बहुत कमजोर जोड़ होता है ये क्या होता है ये बड़ा ही कमजोर ज्वाइंट होता है बहुत वीक होता है यह आपका क्या होता है स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट होता है इसमें सरफेस ज्यादा मिलती है ठीक है ना यह ध्यान रखिएगा साहब अब यहां पर ध्यान दीजिए साथियों इस प्रकार के जोड़ में आ, जो आपका अभी बट पर हमने बात किया फिर आपका स्कार्फ जोड़ है यहाँ पर स्कार्फ जो है ये भी हम लोग वायरिंग में इस्तेमाल करते हैं लेकिन ये बड़ा जोड़ क्षेत्र प्रदान करने के लिए होता है स्कार्फ में बहुत लंबा इसमें तो शोल्डर ही आपका बहुत ज्यादा लग जाता है ठीक है कि नहीं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारी ज्वाइंट भी मजबूती से हो और प्लस आपका शोल्डर भी बहुत अधिक खर्च ना हो तो दोनों चीजों को देखते हुए हम लैप को जो है कंसिडर करेंगे और लैप ही आपकी सबसे अच्छी मानी जाएगी साथियों चलिए तो हम अगले की तरफ चलते हैं देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच क्या है नेक्स्ट तो क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं बता दूं, मेरे जो भी साथी बीएसपीएससी की चर्चाएं आप लोग किया करते हैं और निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि राजस्व विभाग और सारी चीजों में वैकेंसी की प्रोबेबिलिटी बन रही है सिर्फ बी ही है जो क्या है साहब थोड़ा सा भी वेटिंग में है इंतजार में है और इंतजार थोड़ा लंबा हो गया तो आप घबराने लग गए तो देखिए मेरे साथियों आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं वैकेंसी तो निश्चित रूप से आनी ही आनी है और अब तो ये साल चला गया इस साल तो नहीं आएगी दो की प्रोबेबिलिटी है कि आएगी जरूर सरकार की तरफ से कई बार चर्चाएं होती है लेकिन उस पर बहुत भरोसा करना ठीक नहीं लगता है जब तक कहीं ना कहीं कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं आ जाएगी तब तक इस पर कुछ कह पाना संभव नहीं है बट इतना जरूर हम लोग समझ रहे हैं कि जब दूसरे दूसरे इसके पैरल विभागों की वैकेंसी आ गई है तो ये क्यों नहीं आ रही है तो इसीलिए क्या है कि आपकी सीटें भी ठीक ठाक आएंगी और जेई का तो आएगा ही आएगा और आई के मित्रों का भी काफी बंच में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं आएगी हाँ आप थोड़ा अगर तैयारी कर चुके हैं तो आप पैसेंस के साथ जम करके लगे रहें और कोई कसर न छोड़े ताकि कट ऑफ जो भी रहे आपका एक सीट पक्का हो जाए ये बात को लेकर के आप अपने आप को तैयार कर लें और कॉन्फिडेंस के साथ तैयार हो जाए और साथ ही साथ आई इंस्ट्रक्टर की भी वैकेंसी आएगी और वह भी वैकेंसी जब आएगी तो सी की की जहां तक बात है तो मुझे लगता है बिहार की स्थिति को देखते हुए शायद उसको कंसीडर नहीं भी किया जा सकता है उस केस में आपके लिए फायदा पहुंच जाएगा साथियों तो इसलिए आप लोग एक्टिव रहे जमकर तैयारी करें जो लोग चाहते हैं अभी बी एस पी एस जुड़ना तो ऑनलाइन वो द प्लेटफॉर्म ऐप से हमसे जुड़ सकते हैं लक्ष्य बैच हमारा स्टार्ट हुआ है और इसकी पांच सौ निन्यानवे रुपए फी है जिसमें हम कंप्लीट ट्रेड आपका जो हमारा 18 19 चैप्टर्स है बी एस का वो पूरा हम आपको यहाँ पे करवाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सारे करवाएंगे और एक स्टैंडर्ड स्टडी मेटेरियल आपको देंगे कंटेंट में दम होगा ये बात कहना नहीं है ये बात आप महसूस करेंगे ठीक है और ये कंटेंट में दम की बात मुंह से बोलने से नहीं ठीक लगता है जब आप पढ़ेंगे और फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगेगा और वो क्वेश्चन बनने के बाद वो चीजें आपको पास एग्जीक्यूट हो जाएंगी क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहां बहुत ज्यादा होता है असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग को अगर आप देखते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं जमीन आसमान का अंतर होता है साथियों यहां के जो न्यूमेरिकल्स हैं कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट जूनियर इंजीनियरिंग लेवल से सीधे सीधे डाल दिए जाते हैं तो आपको यहां पे पावर सिस्टम मशीन ये सबको जबरदस्त ढंग से पढ़ना होगा और जब तक आप क्वालिटी तैयारी नहीं करेंगे कहां से संभव है कि कंपिटिशन निकल सकता है इसीलिए आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा साथियों तो अगर जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं हम जल्द ही इसकी टेस्ट सीरीज भी लेकर आएंगे आपके बीच हमारा सातवां प्रश्न देखिए क्या है सुदीप्त पात्रा जी वायरमैन का सिलेबस अलग नहीं होता इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ये सभी का सिलेबस सेम होता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा बीटेक किए हुए छात्रों का भी सिलेबस क्या होता है सेम होता है इसे भी आप ध्यान रखेंगे हमारा सातवां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी धातु आमतौर पर सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल में लिए गए फ्लक्स के रूप में प्रयोग में उचित नहीं मानी जाती है ठीक है एमोंग द फॉलोइंग नॉट यूजली प्रीफॉर्ड एज फ्लक्स फॉर सोल्डरिंग एप्लीकेशन कौन सा पदार्थ फ्लक्स के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है यह हमारा सवाल है आइए देखते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है साथियों सामान्य रूप से सीसे का प्रयोग हम लोग सोल्डिंग के फ्लक्स के रूप में नहीं लेते हैं आप लोगों का जवाब आ रहा है बिल्कुल आ रहा है बहुत अच्छा चौधरी साहब हमारा क्या है सीसे के रूप में सीसे का हम प्रयोग कभी भी फ्लक्स के लिए नहीं करते हैं साथियों ठीक है अब जरा देख लें कि कौन कौन सा धातु होता है और उसमें कौन कौन सा पदार्थ हम फ्लक्स के रूप में लेते हैं मेरे मित्रों मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं आप लोग जरूर अपनी कॉपी में नोट करेंगे यहां से प्रश्न पूछने की गारंटी संभावना रहती है इसमें कोई शक नहीं चाहे कोई सा भी एग्जाम हो अगर तांबा की सोल्डिंग आप कर रहे हैं मेटल कौन सा है तांबा ka है तो तांबा के लिए आप जो फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे तो तांबे के लिए हमारी फ्लक्स क्या होगी तांबे के लिए हमारी फ्लक्स होगी सबसे पहला देखें जिंक ऑक्साइड क्या होगी साथियों जिंक ऑक्साइड किसका इस्तेमाल करेंगे जिंक ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे ठीक है दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर बात करें जिंक ऑक्साइड के अलावा तो हम लेते हैं यहां पे अमोनियम क्लोराइड क्या लेते हैं अमोनियम ध्यान दीजिएगा अमोनियम क्लोराइड का भी हम प्रयोग करते हैं ठीक है तांबा के लिए तांबा की सोल्डिंग के लिए फ्लक्स कौन सा होगा जिंक ऑक्साइड का होगा और अमोनियम क्लोराइड का होगा दूसरा अगर आपके पास एलमोनियम है तो एल्मोनियम की सोल्डिंग के लिए कौन सा पदार्थ आपके फ्लक्स के रूप में होगा एस्टियरीन होगा कौन सा होगा एस्टियरीन एस्टियरीन और बैरोजा कौन सा होगा साथियों एस्टेरिन और बेरोजा ये सभी आपके फ्लक्स के मटेरियल हैं एस्टेरिन और बेरोजा नेक्स्ट अगर हमारा तीसरा पदार्थ कौन सा हो गया पीतल हो गया ब्रास हो गया अगर आपके पास ब्रास है तो आप कौन सा पदार्थ लेंगे फ्लक्स के रूप में जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड क्या लेंगे जिंक क्लोराइड व अमोनियम क्लोराइड जरूर इसे लिख लेना सामान्य रूप से बुक में यह नहीं मिला करता है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड यह आप लेंगे अगर आपका तांबा है, है पीतल है तब अगर आपके पास जस्ता है ठीक है देखिए अगर जस्ता हमारे पास है तो जस्ते की सोल्डिंग के लिए हम किस पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे फ्लक्स के रूप में हम लेंगे जिंक क्लोराइड का फ्लक्स के रूप में क्या होगा आपका जिंक क्लोराइड जिंक क्लोराइड फिर आपका क्या होगा सोना चांदी है साहब अगर आपकी क्या है सोना या चांदी है उसका आपको क्या करना है सोल्डिंग करनी है उसकी सोल्डिंग करनी है सेम मेटल में तो आप किसका प्रयोग करेंगे आप सुहागा का प्रयोग करेंगे बोरेक्स का प्रयोग करेंगे किसका करेंगे फ्लक्स के रूप में सुहागा यानी बोरेक्स सुहागा यानी बोरेक्स ठीक है तो ध्यान रखिएगा सभी लोग कॉपी में नोट करना ठीक है आपकी कॉपी में चेक तो नहीं कर सकता हूं लेकिन आप मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग ईमानदारी से इसे नोट करेंगे और हमारी सारी चीजों को फॉलो करेंगे और निश्चित सफलता प्राप्त करेंगे साथियों मैं रिपीट करता हूं अगर तांबा आपका मेटल है जिसकी सोल्डिंग करने के लिए करना है तांबे की सोल्डिंग करनी है तो हम फ्लक्स के रूप में किसका प्रयोग करेंगे जिंक ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का अगर एल्युमिनियम है तो एस्ट्रीन और बैरोजा का प्रयोग करेंगे ब्रास है तो जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग करेंगे अगर जस्ता है तो जिंक क्लोराइड का प्रयोग करेंगे अगर सोना चांदी है तो सुहागा और बोरेक्स का प्रयोग करेंगे तो हमारा राइट आंसर था सीसा अमोनियम क्लोराइड जिंक क्लोराइड और बोरेक्स ये सभी आप देख रहे हैं अलग अलग मेटल में यह फ्लक्स के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है लेकिन सीसा कहीं भी उपयोग में लिया नहीं जा रहा है साथियों ठीक है कोई कंफ्यूजन तो नहीं सीसा और टीन ये सोल्डर के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है ये आपको सोल्डर के रूप रूप में होता है ये निश्चित रूप से आपको फ्लक्स के रूप में नहीं होता है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अगला है दिए गए विकल्पों में जो चित्र दिखाया गया है ये ज्वाइंट के प्रकार की पहचान करें किस तरह का ज्वाइंट है असिस्टेंट लोको पायलट में दोनों दिन परीक्षा में पूछ आया गया है 22 और 23 जनवरी के एग्जाम में यह प्रश्न आया है तो ऐसे प्रश्न बड़े मार्मिक होते हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं ठीक है अब एक छोटा सा सवाल इस प्रश्न के आंसर को तो आप जल्दी से बताइए लेकिन उससे पहले मैं पूछ लेता हूं क्या इस क्लास को हम कंटिन्यू रखें या फिर रोक दें अभी दो तीन दिन तो हम आपके बीच नहीं आ पाए थे साथियों लेकिन मेरा आपसे सवाल है क्या हम इस क्लास को कंटिन्यू आपके बीच रखें क्या ये क्लासेस आपके लिए उपयोगी साबित हो रही हैं क्या इस क्लास से आपको फायदा पहुंच रहा है क्या इस क्लास से आपको लगता है कि आप अच्छा कर सकते हैं यदि ये सारी बातें सही हैं तो आप हमें जवाब दीजिए साथियों हम आपके साथ बने रहेंगे यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो फिर हम आपके बीच नहीं आएंगे यदि हमें बता दीजिए साहब ये आपके पास क्या है प्रश्न दिए गए विकल्पों से ज्वाइंट के प्रकार की पहचान करिए और यदि ये क्लासेस आपको अच्छी लगती है और ये क्लासेस होनी चाहिए तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक भी कीजिएगा और हजार से ज्यादा बच्चे लाइव होने का प्रयास कीजिएगा फिर आनंद आएगा ऐसे काम नहीं चलेगा हमारी इफट और आपकी ताकत ये दोनों का अंदाजा अगर लगाना है तो हजार से ज्यादा बच्चे लाइव में होने चाहिए और फिर हम आपके साथ हमेशा बने रहेंगे वीडियो शेयर कीजिए लाइक भी कीजिए और हमारे साथ बने रहिए कॉपी में नोट कीजिए पढ़ाई कीजिए गरीबी एक अभिशाप है इसको मिटा दीजिए और विद्या के बल पर जिंदगी बदल लीजिए साथियों आइए देखते हैं इस प्रश्न को बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार प्रश्न है दो दो दिन ए में पूछा है प्रश्न है ये चित्र किस ज्वाइंट को दिखाता है तो आइए साहब यह चित्र जो है ना ये रेट टेल ज्वाइंट को दिखाता है रेट टेल ज्वाइंट रेट टेल और ज्वाइंट रेट टेल ज्वाइंट का मतलब क्या है रेट मतलब चूहा चूहे के टेल मींस पूछ ठीक है चूहे की पूंछ के जैसा इसकी आकृति आप देख रहे हो ये दोनों कंडक्टर था और दोनों कंडक्टर को लेकर हमने ऐसे लपेट दिया और जब इसको लपेट दिया लपेटने के बाद जो संरचना बनी है उस संरचना से बिल्कुल ये लंबी सी क्या हो रही है एक आपके चूहे की पूंछ की जैसी संरचना कैसी संरचना है चूहे के पूंछ की जैसी है साथियों ध्यान रखिएगा इस जोड़ में तार के सिरों को तार के आ, टर्मिनल्स को केवल के चालक को हम क्या करते हैं आपस में कर यानी दोनों हमने कंडक्टर लिया और इस दोनों को, ठीक है? और ये उसके इंड को जोड़ करके और लास्ट दोनों छोड़ को फिर ऐसे मोर करके यहां पर सटा देते हैं यहां पर अटैच कर देते हैं ठीक है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा इस प्रकार का जोड़ कहां यूज होता है लाइन में कहां पर इसका प्रयोग करते हैं ओवर ओवर हेड लाइन में हम क्या करते हैं इसका प्रयोग करते, करते हैं ओवर हेड लाइन में इसका प्रयोग करते हैं साथियों साथ ही साथ ओवरहेड लाइन में खंभे के ऊपर ठीक है ओवर हेड लाइन में खंभे के ऊपर खंभे के ऊपर आपकी जो इंसुलेटर लगी होती है ना आप तो जानते हैं ना इंसुलेटर लगाते हैं इंसुलेटर लगाने से दो फायदा होता है एक तो आपकी तार को सहारा मिलता है क्रॉस आर्म के माध्यम से प्लस आपके तार से जो करंट प्रवाहित होती है वह करंट आपके पोल के माध्यम से आपके टावर्स के माध्यम से अर्थ तक नहीं पहुंचती है दोनों के बीच में क्या करता है आइसोलेशन मेंटेन करता है यानी आपकी पृथ्वी आपका अर्थ और आपके अर्थ के साथ साथ ठीक है अर्थ के साथ साथ आपके कंडक्टर में करंट उसके बीच में आइसोलेशन क्रिएट करता है दोनों के बीच दूरी रहती है और उस दूरी से साथियों उस दूरी से साथियों क्या फायदा होता है हमारी लाइन टू अर्थ फॉल्ट एल फॉल्ट नहीं होती है सिस्टम सेफ सुरक्षित और मेंटेन्ड रहता है इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं ओके अब दोस्तों ओवरहेड लाइन के ऊपर जो आप लगाते हैं ना इंसुलेटर को उस इंसुलेटर के रिस्पेक्ट में हम इसका प्रयोग करते हैं वहां पर हम इसको ज्वाइंट करते हैं साथ ही इसे ऐठा हुआ जोड़ भी कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है इसे दूसरे नाम से जोड़ा जाना जाता है इसे हम कहते हैं ऐठा हुआ जोड़ एठा हुआ जोड़ दूसरा देख लीजिएगा एक नाम तो इसका हो गया ऐठा हुआ जोड़ दूसरा नाम इसका क्या है पिग टेल जोड़ दूसरा नाम क्या है इसका पिग टेल जोड़ तो देख लिया आपने दो नामों से जानते हैं ऐठा हुआ जोड़ पिगटेल जोड़ साथियों यह बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो यह बहुत ज्यादा आपके टेंसाइल स्ट्रेंथ को सहन करने की क्षमता इसमें नहीं होती है यह भी आप ध्यान रखेंगे चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला मजेदार प्रश्न हमारा कौन सा है ठीक है मित्रों आपका जो नाइन्थ क्वेश्चन है उस पर हम पहुंच चुके हैं सबिता कुमारी अफसर अहमद साहब ये क्लासेस बहुत अच्छी आपको लगती हैं बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है आप सभी के प्यार और आप सभी के आ, से जो हमें प्यार मिलता है सम्मान मिलता है वही हमारी ऊर्जा की ताकत होती है और उसी ताकत की बदौलत दिन भर के दस घंटे की क्लास लेने के बाद भी ये आखिरी समय में हम आपकी क्लास लेकर के फिर यहाँ से जाते हैं तो इस ताकत को आप बनाए रखिएगा आपका जो अपनापन है आपका जो प्रेम है वही प्रेम हमारी ताकत है अगर ये कमजोर होता है तो हमारी ताकत कमजोर होगी आपके बीच आ आप पाना संभव नहीं होगा इसीलिए आपकी इसी ताकत से इसी अपनेपन की ताकत से और हम आपके साथ रहते हैं साथियों और इसे हमेशा बरकरार रखना है मुझे विश्वास है कि आप इसको बरकरार तो रखेंगे ही रखेंगे अपने सपने को भी साकार करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी जब आप हमारी मदद से अपने जीवन के मंजिल को पाते हैं ठीक है समय थोड़ा बढ़ाना संभव नहीं है जेके साहब अभी फिलहाल दस क्वेश्चन ही रहने दिया जाए क्योंकि ठंड का मौसम है ठीक है दस क्वेश्चन से अधिक होने के बाद वो एक घंटे में होना संभव नहीं होता है क्योंकि विस्तृत परिचर्चा उस पर संभव नहीं होती है ठीक है इसीलिए दस पर ही अभी रहिए धीरे धीरे हम लोग दस क्वेश्चन से भी चले तो एक महीने में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं आपको टू क्वेश्चन होते हैं और एक एक क्वेश्चन पांच सात आठ क्वेश्चन उसके रिलेटेड होता है जिससे आपको काफी बेनिफिट होता है तो फिलहाल आप इसी के साथ कंटिन्यू हो देखिए आपका नवा सवाल है सबसे मजबूत हाफ लैप का संयुक्त कौन सा है इज द स्ट्रॉगेस्ट हाफ हाफ लैप ज्वाइंट हाफ लैंप ज्वाइंट कौन सा सबसे मजबूत है साथियों सबसे मजबूत जो हाफ लैप ज्वाइंट होता है वो डिवोटेल हाफ लैप ज्वाइंट होता है कौन सा होता है डिवोटेल हाफ लैप ज्वाइंट यहां पर देख लीजिए ये आपका टॉल है साहब ठीक है ये दोनों आपकी पिंस हैं ये कॉर्नर डिवोटेल ज्वाइंट है ये आपका बॉक्स डिवोटेल ज्वाइंट है ये वाला खांचा ये वाला खांचा उसके अंदर जाके अटैच हो गया ठीक है क्या हो गया ये दोनों क्या हो गया ये वाला खाचा ये वाला खाचा दोनों एक साथ अटैच हो गया और फिर आपकी यहां पे लैप डिवोटेल ज्वाइंट लैप डिवोटेल में आप क्या देख रहे हैं ये दोनों सबसे पहले तो हमने ये दोनों खांचे बनाए खांचे बनाने के बाद उसको हमने बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया ये पकड़ इतनी मजबूत होती है जिसको समान रूप से खोलना आपके लिए संभव नहीं होता है सबसे मजबूत कौन सा होता है साहब ध्यान रखिएगा सबसे मजबूत कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दैट इज द डेवर्टल हाफ लूप ज्वाइंट ये सबसे जबरदस्त ज्वाइंट होता है साथियों क्लियर चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के आखिरी सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं देखिए हमारा सवाल क्या है ठीक है साथियों ये बड़ा अच्छा सवाल है और ये सवाल है किच करंट लॉ का हमें आपसे कुछ प्रश्न भी पूछने हैं आज मैंने आप लोगों को जो पीछे पढ़ाया उसमें मैंने किर्च करंट लॉ किर्च वोल्टेज लॉ ये सब मैंने पढ़ाया मेरे साथियों आप हमें जवाब दें किच करंट लॉ क्या होता है ये तो आप जानते हैं अल्जेब्रिक सम करंट की क्या होती है शून्य होती है किसी भी नोड पर किसी भी नोड पर करंट का अलजबरी सम क्या होगा शून्य होगा यानी आने वाली सभी करंट का सम वहां से जाने वाली सभी करंट के सम के बराबर होगा यानी जितनी करंट आएगी उतनी ही करंट वहां से जाएगी यह सब तो आप जानते हैं लेकिन मेरा सवाल आप लोगों से है क्रिचॉप्स करंट लॉ किस सिद्धांत पर आधारित होता है क्रिचॉप्स करेंट लॉ इज बेस्ड अपन हु प्रिंसिपल किस सिद्धांत पर आधारित होता है जल्दी से बताएं ठीक है जल्दी से बताएं मैं वेट कर रहा हूं इसका आंसर तो आप दे रहे हो लेकिन मेरा सवाल है किचॉफ्स करेंट लॉ के किस सिद्धांत पर आधारित होता है केसीएल किस सिद्धांत पर आधारित होता है हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं आप लोग जवाब सोचकर बताइए केसीएल किस सिद्धांत पर आधारित होता है बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है किस सिद्धांत पर आधारित होता है ये मेरा सवाल है आप लोगों से जो मैंने आपको 10-11 दिन से पढ़ाया है उसके आधार पर अब मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ हमारा ये नोड है क्योंकि तो आप जानते हैं जहाँ पर क्या है दो या दो से ज्यादा सर्किट एलिमेंट जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं नोड कहते हैं तो इस जगह पर क्या है एक दो तीन चार पांच पांच एलिमेंट जुड़े हैं तो निश्चित रूप से नोड है।, है तो जंक्शन भी है क्योंकि यहां तीन से ज्यादा एलिमेंट जुड़े हुए हैं तीन से ज्यादा रहेगा तो क्या होगा जंक्शन और दो से ज्यादा होगा तो क्या होगा तो नोड आप जानते हैं दुनिया की सारी जंक्शन नोड होती है लेकिन सारे नोड जंक्शन नहीं होते दुनिया की सारी दुनिया की सारी नोड जंक्शन कभी नहीं होती लेकिन सारे जंक्शन क्या होते हैं नोड होते हैं ये ध्यान रखिएगा अब देखिए जरा इस पर आने वाली करंट कौन कौन सी है इनकमिंग इस पे आ रही है तीन एम्पियर मैंने तीन को प्लस में लिया जो आता है वो तो इनकम होता है ना हमें खुशी मिलती है जब जाता है खर्च होता है तो फिर हमें दुख महसूस होता है साथियों तो आइए ये, ये आ रही है तो प्लस में ले लिया तीन फिर आपकी दो भी क्या हो रही है इसपे आ रही है फिर आपका दस भी क्या हो रही है इसपे आ रही है लेकिन चार साथियों बाहर निकल रही है चार आपकी जा रही है आई फाइव ये भी आपकी क्या हो रही है बाहर ही जा रही है इक्वल टू जीरो अब आप क्या करेंगे टेन प्लस टू प्लस थ्री दैट मीनस फिफ्टीन फिफ्टीन माइनस फोर माइनस आई फाइव इक्वल टू जीरो अब साहब इसको फिफ्टीन में से फोर को माइनस कर लीजिए इलेवन माइनस आई फाइव इक्वल टू जीरो यहाँ से स्पष्ट हो गया I5 क्या होगा आपका 11 एम्पियर होगा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो जवाब कई छात्रों ने दिया है आप सभी लोगों ने दिया है अब ये तो आप देख लिए हमारा आंसर आ गया 11 एम्पियर इसमें कोई शक नहीं है लेकिन अब मेरा सवाल जो आपसे है जरा देखें कितने लोगों ने सही जवाब दिया है अर्जुन कुमार जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे बाला घाट वाले मित्र जेके सहारे साहब आपने भी जवाब दिया है एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ठीक है यह किस पर आधारित होता है यह आधारित होता है आपके आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर अमित कुमार सिंह ढेर सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है मुझे विश्वास है आप लोग पढ़ अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो आप निश्चित मेहनत कर रहे हो तभी यह जवाब आ रहा है साथियों है। तो संरक्षण तो के सिद्धांत पर, पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर यहीं पे एक छोटा सा सवाल हो जाए के किस पर आधारित होता है तो आपका जवाब होगा इनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल किस पर साथियों इनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल इनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित है यानी आपकी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर तो जिंदगी भर याद रखना के ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित होता है केसीएल आपकी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित होती है साथियों ये दोनों बातों को आप हमेशा ध्यान रखेंगे ठीक है और ये सब तो आप समझ रहे हो और के के माध्यम से किसी भी नोड पर अलजेबरिक समकरण का जीरो होता है और के के माध्यम से किसी क्लोज पाथ में वोल्टेज का अल्जेवरिक सम क्या होता है जीरो होता है वोल्टेज का अलजेवरिक सम क्या होता है साथियों जीरो होता है ये दोनों चीजों को आपको गांठ बांध लेना है और जिंदगी में कभी भी भूलना नहीं है साथियों ठीक है चलिए बहुत बहुत बढ़िया जहाँ तक बात है आपको रेलवे के कैलेंडर की तो उस पर चर्चाएं आरंभ हो चुकी हैं हम सब आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ बने रहेंगे साथियों जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते हैं मैं आपके साथ बना रहूँगा झाजी चिंता मत करिए और आप सभी का प्यार हमें मिलता रहे आठ से नौ में हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे बस आप ऐसे काम नहीं चलेगा आपको क्या करना है अपनी कॉपी में नोट करना है सारे क्वेश्चंस का जवाब आप देते हैं अच्छी बात है सारे कंसेप्ट को समझना है और जब कभी मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं आपको जवाब भी देना है जैसे आप आज दे रहे हैं प्रियम राजपूत साहब किरचॉफ्स करेंट लॉ इसका पूरा नाम होता है इस नियम को किरचॉफ साहब ने दिया था और केसीएल के आधार पर उन्होंने कहा था यह नियम यह कहता है किसी भी परिपथ में किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में नोड पर क्या होती है करंट का अलजबरी सम शून्य होती है क्या होती है नोड पर करंट का अल्जेबरिक सम होती है यानी किसी नोड पर आने वाली सभी करंट उस नोड से जाने वाली सभी करंट के क्या होती है बीज योग के बराबर होती है यानी कि किस सम ऑफ चार्ज एंड क्रिच वोल्टेज लॉ बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये सदैव याद रखिएगा आज के लिए इतना ही आपका रात्रि आप लोगों को और आने वाला समय हर दिन आपके जीवन में एक नया दिन हो और हर दिन आप कुछ नई चीजों को सीखें और उस नई चीजों को सीखकर आप जिंदगी में बेहतर करें और आप रिजल्ट लेकर आए यह मेरा निश्चित आप लोगों से क्या है आग्रह है आशीर्वाद है और यूं समझें तो हमारा मिशन है आपको अपनी जगह पर पहुंचाना आपकी मंजिल तक पहुंचाना तो आपसे विदा लेता हूं ठीक है, राजीव जी केवियल <laughs> क्रिचाउस वोल्टेज लॉ होती है किसी भी क्लोज परिपथ में किसी भी क्लोज सर्किट में जो अलजेबरिक सम होता है बीज योग होता है वोल्टेज का वो क्या होती है शून्य होती है यानी जितनी वोल्टेज आप सप्लाई करते हैं उतनी ही वोल्टेज आपको खर्च भी होती है ठीक है इंग्लिश मीडियम की बुक जो है वो जरूर आएगी आपको थोड़ा सा इंतजार करना है और इंग्लिश की बैच हंड्रेड आपको पांच जनवरी से आ रही है फिफ्थ ऑफ जनवरी से 2023 में कंप्लीट इंग्लिश मीडियम की बैच हम आपके लिए लेकर आएंगे ठीक है साथियों तो जितने भी हमारे साथी डिप्लोमा बीटेक वाले हैं या फिर आपको अदर स्टेट से सपोज टू बी दैट महाराष्ट्र तमिलनाडु उड़ीसा वेस्ट बंगाल के मेरे साथी हैं जिनको हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है वो सभी लोगों के लिए हम विशेष रूप से आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं इंग्लिश मीडियम का बैच तो पाँच जनवरी से आप लोग हमसे जुड़ेंगे बाकी जो साथी ही बी का बैच लेना चाहते हैं मुन्ना जी तो हम आपको बता दें आप बी के बैच के लिए निश्चित रूप से हमसे जुड़ सकते हैं और ये बैचेज जो है आपको अवेलेबल हो चुकी है ऐप पर लक्ष्य बैच इसका नाम है ठीक है तो आप जरूर उसको जुड़ जाइए द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके यहां पर हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पर आप कांटेक्ट करके और द प्लेटफॉर्म ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं ठीक है पीजीसीआईएल जो है वो जूनियर इंजीनियर के छात्रों के लिए है डिप्लोमा के लिए है पीजीसीआईएल में जो वैकेंसी आई है वो आईटीआई के बच्चे नहीं भर सकते हैं डिप्लोमा के वही बच्चे भर सकते हैं जिनका सत्तर मार्क्स है ठीक है ओके साथियों और हम आपको एक जानकारी दे दें हमारी ब्रह्मास्त्र टेस्ट होती है साथियों जो चार में है एक साल का टेस्ट है दो टेस्ट इसमें होगा पांच क्वेश्चन होंगे क्वेश्चन बायलिंगवल होंगे और आपको उसका कंप्लीट डिटेल डिस्कशन कराया जाएगा और सारी वीडियोज आप अनलिमिटेड टाइम देखेंगे पांच हजार क्वेश्चन की प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन वैल्यूएबल क्वेश्चन है वो आपको निश्चित आपके लाइफ को चेंज कर देगा साथियों तो आप लोग ब्रह्मास्त टेस्ट से जुड़े किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए एल पक्का हो जाएगा फाउंडेशन बैच कब से स्टार्ट होगा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो, हो चुकी हैं अभी दो-तीन दिन क्लासेस हुई हैं आप जुड़ सकते हैं सिक्स दिसंबर से हमारी फाउंडेशन बैच हुई हैं तो आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग भी हम पढ़ाएंगे और बाकी टेक्नीशियन पूरा पढ़ाएंगे और साथियों हमारी जो फाउंडेशन बैच है दो तरह की हैं एक आपकी कंप्लीट नॉनटेक एक टेक नॉनटेक दोनों ठीक है तो आप टेक वाला बैच सेपरेट है जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और टेक टेक है एक टेक नॉन टेक का कॉम्बो बैच है तो आप अपनी सुविधा अनुसार कॉम्बो लेना चाहें सीबीटी वन सीबीटी टू दोनों को मिलाकर के तो आप कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं उसके बारे में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारा टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको दिया है आप डेफिनेटली उससे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ठीक है ओके थैंक यू एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू साथियों एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू क्योंकि अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है फिर कल मिलते हैं इसी समय और पूरे जोश के साथ गंभीरतापूर्वक और मन से पढ़िए बहुत बहुत शुभकामनाएं